झारखंड में पहले चरण का चुनाव चल रहा है 13 सीटों पर, लेकिन इसी दौरान पलामू के डाल्टनगंज में वोटिंग के दौरान एक बड़ा बवाल सामने आया है, जहां पर चैनपुर के कोशियारा बूथ पर कांग्रेस प्रत्याशी जयंत त्रिपाठी पिस्टल लहराते हुए नजर आए, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक नाराज हो गए और कांग्रेस प्रत्याशी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो 13 सीटों पर आज चुनाव है झारखंड में, जहां 3 बजे तक की वोटिंग होगी, लेकिन इसी दौरान झारखंड के डाल्टनगंज के पलामू में तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, बवाल की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं, कार्यकर्ता यहां पर आपस में भिड़ते हुए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि वहां पर जब कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे केएन त्रिपाठी, तो अपने पिस्टल को लहराते हुए वो नजर आए और पिस्टल लेकर बूथ पर पहुंचे थे, और यही जब बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थकों ने देखा तो उनको ये नागवार गुजरा और उसी के बाद ये हंगामा शुरू हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से केएन त्रिपाठी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पिस्टल लेकर घुसे थे बूथ पर और लहराते हुए भी आए, यानी कि पूरा दम भरते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं खौफ भी यहां पर दिखाते आए लोगों को। और ऐसे में अब उनके इस कदम से, उनकी इस तस्वीर से हंगामा मच गया है। तो R9 टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं झारखंड में जब हालात कहीं ना कहीं संवेदनशील है, व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं, तो उसी बीच पलामू के एक बूथ पर केएन त्रिपाठी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो हाथों में बंदूक लेकर नजर आए, पिस्टल लेकर नजर आए। और ऐसे में जैसे ही बीजेपी के समर्थक, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थकों ने ये देखा तो उनको ये नागवार गुजरा और इसी के बाद जमकर यहां हंगामा देखने को मिला। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने इस दौरान पथराव किया है। तो ये पूरी तस्वीरें बतला रही कि किस तरह से आज जब चुनाव है झारखंड में 13 सीटों में, जिनमें से डाल्टनगंज में भी चुनाव है, और इसी दौरान बूथ पर केएन त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कि कहीं ना कहीं एक खौफ दिखाते नजर आ रहे थे या फिर अपनी ताकत का एहसास लोगों को दिलाते नजर आ रहे थे, और ऐसे में बीजेपी को ये चीजें नागवार गुजरी, जिसके चलते ये हंगामा देखने को मिला है। तो मतदान के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच ये झड़प हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग ने मामले में संज्ञान ले लिया है और जांच के निर्देश की बात भी कह दी गई है।